बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करो और मरो की स्थिति में वो टीमें जिन टीमों ने अब तक जीत हासिल नहीं की है और सेमीफाइनल में अपना दबदबा बनाए रखना चाहती हैं। कुछ ऐसी टीमों के नाम हमारे पास मौजूद हैं, उन टीमों के बारे में हम बात करेंगे। वैसे इंडिया को लेकर कई बातें कही जा रही थी, पाकिस्तान को लेकर भी कई ऐसे सवाल उठ रहे थे सबके जहन में। उन तमाम सवालों को लेकर अब ये जवाब सामने आया है कि अब जो आखिरी वक्त बचा है इस आखिरी मैच में, आज का जो क्रिकेट होने वाला है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्रिकेट में वो टीमें जो आज करो और मरो का खेल करेंगी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसकी होती है जीत, जीत कर घर लौटना चाहेंगे ये दोनों टीमें। तो सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी दोनों टीमें जब यहां पर मैदान पर उतरेगी तो अफगानिस्तान की निगाह विश्व कप में पहली जीत हासिल करने की होगी और वेस्ट इंडीज की टीम प्रतिष्ठा के लिए खेलेगी। अफगानिस्तान वेस्ट इंडीज के स्टार सुसज्जित टीमों को पिछले साल हराने में विश्व कप क्वालिफायर में दो बार हराया था और जिसमें क्रिस गेल, कार्लोस ब्रैथवेट और शाई होप शामिल थे। और आज जिसमें क्रिस गेल, कार्लोस और ब्रैथवेट, शाई होप बेहतर करने के लिए उतरेंगे, क्रिस गेल का अंतिम विश्व कप मैच भी ये होगा और ये अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आज का ये मैच किस तरीके से ये दोनों टीमें जीत कर खुद को, दोनों चाहेंगे कि वो जीते लेकिन कौन यहाँ पर जीत पाएगा और किसकी हो पाएगी यहाँ पर दावेदारी और कौन पहुँच पाएगा सेमीफाइनल में, ये तो मैच के बाद ही पता चलेगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं एक बहुत ही खास रिपोर्ट और इस रिपोर्ट के जरिए आप जान लीजिए कि आखिर क्या कुछ हो सकता है। तो देखिए ये हमारी रिपोर्ट और उसके बाद आप तय कीजिए कि क्या ये दोनों टीमें आज सेमीफाइनल के लिए अपना रास्ता साफ कर पाएंगी। सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी दोनों टीमें जब गुरुवार को यहां मैदान पर उतरेंगी तो अफगानिस्तान की निगाहें विश्व कप में पहली जीत हासिल करने पर लगी होगी, जबकि वेस्टइंडीज की टीम प्रतिष्ठा के लिए खेलेगी। अफगानिस्तान ने वेस्टइंडीज की स्टार सुसज्जित टीम को पिछले साल हराने में हुए विश्व कप क्वालिफायर में दो बार हराया था जिसमें क्रिस गेल, कार्लोस ब्रैथवेट और शाई होप शामिल थे। आज क्रिस गेल का अंतिम विश्व कप मैच भी होगा, ऐसे में सबकी निगाहें उन पर टिकी रहेंगी। गौरतलब है कि वो ऐलान कर चुके हैं कि ये अंतिम विश्व कप है उनका और भारत के खिलाफ सीमित ओवर सीरीज के बाद वो क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। अब विश्व कप में कुछ बड़ी टीमों के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद अफगानिस्तान ने कई बार साबित किया कि उसे अब कमजोर टीम नहीं कहा जा सकता। उसने टूर्नामेंट में भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसी मजबूत टीमों को कड़ी टक्कर दी। ये सभी टीमें अफगानिस्तान के आक्रामक गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ जूझती नजर आई जिसमें मोहम्मद नबी, मुजीबुर रहमान और राशिद खान शामिल हैं। वेस्टइंडीज के लिए ये टूर्नामेंट तीसरी बार हुआ जब वो जीत में करीब पहुंच चुका था और हार गया। सोमवार को श्रीलंका के खिलाफ मैच से पहले वो मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराने का मौका गंवा बैठी और न्यूजीलैंड के खिलाफ कार्लोस ब्रैथवेट मैच विजयी छक्का जड़ने से चूक गए। वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर ने श्रीलंका से हारने के बाद कहा, ये देखना निराशाजनक है कि कई मैचों में जीत के करीब पहुंचने के बावजूद जीत नहीं पाए। दोनों टीमें सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं और अफगानिस्तान की टीम अंक तालिका में निचले जबकि वेस्टइंडीज उससे एक स्थान ऊपर है। पहले दो विश्व कप 1975 और 1979 में जीतने वाली वेस्ट इंडीज ने शुरुआती मैच में पाकिस्तान को हराकर शुरुआत की थी लेकिन उसे लगातार 7 मैचों में हार का मुंह देखना पड़ा। अंतिम मैच में जीत बड़े टूर्नामेंट से बाहर जाने से पहले अच्छी होगी। अफगानिस्तान के कप्तान गुलवदीन स्वदेश लौटने से पहले अंतिम बार अपने स्पिनरों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करेंगे। अगर हम दोनों टीमों की बात कर ले वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 की तो सबसे पहले बात करेंगे वेस्ट इंडीज की टीम की। ये तमाम खिलाड़ी हैं जो हो सकते हैं आज के प्लेइंग 11। जेसन होल्डर जो कप्तान है, क्रिस गेल, शाई होप, शिमरोन, कार्लोस ब्रैथवेट, शेडन कार्टरेल, ओशेन थॉमस, केमार रोच, एस्ले नर्स, निकोलस पूरन, सुनील अम्बरीश, एविन लुइस, शैनोन क्रेबियल और डेरन ब्रेबो और फेवियान एलेल, ये वो खिलाड़ी हैं जो प्लेइंग 11 में खेल सकते हैं। अफगानिस्तान की बात करें तो गुलबदीन नायब कप्तान है, सईद अहमद सरजाद, हजरतुल्ला जजई, असगर अफगान, राशिद खान, मोहम्मद नबी, मुजीबुर रहमान, दौलत जर्दान, नजीबुल्ला, हशमतुल्ला शाहिदी और शमीउल्ला शिनवारी, रहमत शाह, नूर अली जर्दान और इकराम
लिखी। ये वो खिलाड़ी हैं जो प्लेइंग 11 में खेल सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कौन सी जो टीम है वो अपनी जगह पक्की कर पाती है, क्या सेमीफाइनल में इन दोनों में से कोई आगे बढ़कर वहां पर अपनी जगह बना पाता है। नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट। तो देखा आपने, बहुत ही खास रिपोर्ट है ये, और इस रिपोर्ट में ये बात जाहिर हो रही है कि ये टीमें हो सकता है कि इसमें से एक टीम अपने लिए आगे की दावेदारी तय कर ले। तो फिलहाल नेक्स्ट नाइन अपडेट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।